श्रेया क्यों फीड करेगी माया भाभी की बच्ची को? क्या चल रहा है ये सब? और माया भाभी को पता ही है कि आप छुपा के बच्ची को लाई हैं यहाँ? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मम्मी, श्रेया, कुछ छुपा रहे हो क्या आप दोनों मुझसे? कैसी बातें कर रहा है तू? और तू शांत हो जा। श्री श्रेया के भी कुछ लगती है ना? क्या हुआ अगर दूध पिलाया तो? क्या हुआ? मम्मी ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और श्रेया तुम तो समझदार हो ना, क्या है ये? I understand तुमने अपना बच्चा खोया, अरे मैंने भी खोया है। और इस बच्ची पे अपने बच्चे की झलक देखती हो। श्रेया ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, माया भाभी और रोहित भैया का है। एक्सेप्ट करो इसे, बच्चे से लगाव एक बात होती है और बाउंड्री होती है। श्रेया तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बच्चे को फीड करने का हक सिर्फ माँ को होता है और वो माया भाभी है। श्रेया भी माँ है। मतलब माँ जैसी है। पर माँ नहीं मम्मी हूँ। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा है इसके लिए। एंशिया इनफ, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बच्ची से बहुत ज्यादा लगाव है तुम्हें। संभालो अपने आप को और याद दिलाओ कि ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, माया भाभी की है। आपको कैसे समझाओ? श्री मेरी क्या लगती है? वो इतनी सी बात पे भड़क के चला गया। अगर उसे सच पता चल जाएगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत भाव खा लिया केशव ने, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कब तक काटेगा मेरा फोन? करती रहूंगी मैं। चैन नहीं है ना आपको कविता दीदी? कितने फोन करेंगी आप? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? जब तक तू मेरा फोन नहीं उठाएगा तब तक मैं फोन करती रहूंगी। मेरा फोन तो ऐसे काट रहा है जैसे मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपको गर्लफ्रेंड बनाऊं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। अब जल्दी से बताइए क्या काम था, क्यों फोन करी थी इतना? ए बहुत बड़ा अमेरिका का प्रेसिडेंट है तू? टाइम नहीं। एक बात बता, 6 महीने से क्या खिचड़ी पक रही है? क्या प्लानिंग क्या कर रहा है पता मुझे? तू क्या काट दिया? फिर से काट दिया? मैं इसे कविता समझ जा, ये बिरबल जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है, कोई ऊंची प्लानिंग चल रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे देख कर रहूंगी। कविता भाभी किससे बात कर रही थी और ये क्या प्लान है? जों की तरह चिपकी रहती है मेरे साथ। तुम बस यहाँ फोन पे ही टाइम पास करते रहना। 6 महीने बीत गए और बच्ची अभी तक हाथ नहीं लगी। कैसे हाथ लगेगी? बच्ची चमत्कारी है, हम थोड़ी ना चमत्कारी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि घर से उस बच्ची को कैसे उठाए? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तुम्हारी? नहीं मैडम, मेरा कहने का मतलब यह था कि वो बच्ची को घर से बाहर ही नहीं निकालते। वो त्रिमूर्ति श्रेया माया और सविता दीदी 24 घंटे उसकी बॉडी के गार्ड बने घूमते रहते, उसके इर्द गिर्द ही रहते, कहीं जाते ही नहीं है। बहुत वेट कर लिया, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दे। अच्छा मेरी छोटी लक्ष्मी, आपके भी पैर धोती हूँ।
माँ, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि श्रेया को उसके बच्चे से दूर करके मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है। मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ के लिए अपने बच्चे को ममता से गले लगाना, उसे दूध पिलाना कितनी खुशी की बात होती है और उस बच्चे के लिए उतने ही सौभाग्य की। मेरी वजह से श्रेया की ममता इस सुख के लिए तड़प रही है। मेरी इस भूल के लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ। लेकिन माँ, अब से मैं ऐसी भूल नहीं करूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आज के बाद मुझसे कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं आपके अंश अवतार पे कोई भी विपत्ति नहीं आने दूंगी। ये आपकी भक्त का वचन है आपको माँ। प्रणाम करो जी। कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है पर गुरुजी, आपको तो आराम की जरूरत है, आपने फोन क्यों किया? नहीं सविता, मेरा तुमसे बात करना बहुत आवश्यक था। क्या बात है गुरुजी? मेरी बात ध्यान से सुनो सविता। श्री का तुम्हें बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। मुझे आभास हो रहा है कि आने वाले 10 दिनों में यानी पूर्णिमा की रात तक श्री पर कोई विपदा आने वाली है। विपदा श्री पे? हाँ सविता, माता लक्ष्मी का अंश अवतार तुम्हें वरदान में मिला है सविता। उसकी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है सविता, उसका ध्यान रखना। आज से 10 दिन बाद आश्रम का वार्षिक समारोह है। मुझे उस समारोह में श्री के चमत्कार को दिखाना है। सोचो, पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं वहां। मतलब जब डॉलर और पाउंड की बारिश होने वाली है। इतना पैसा होगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, सिर्फ श्री के एक चमत्कार से। पर उसे उस घर की लक्ष्मण रेखा पार करवाऊं कैसे? टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पूरे रतलाम में माँ लक्ष्मी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मेरे और उस बच्चे के बीच में सबसे बड़ी रुकावट है वो माँ लक्ष्मी की परम भक्त सविता। और सविता को हराना है तो माँ लक्ष्मी की मदद तो लेनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी ही है जो उस सविता को और उस बच्चे को उस घर से बाहर निकाल सकती है। पापा, ये कुछ लेटर्स आए थे आपके लिए। पापा ये लीजिए चाय। क्या हुआ पापा, कहाँ खो गए आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है। पापा बोलिए ना, अब आपके बच्चों से नहीं बोलेंगे तो फिर किससे बोलेंगे? तुम्हारी ताई जी है ना कविता, मैं वहां से गुजर रहा था तो फोन पे किसी से बात करी थी कुछ प्लान के बारे में। प्लान? कैसा प्लान? अब वो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट फंड की तो बात नहीं कर रही होंगी, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, पता नहीं अब क्या कांड करेंगी।
या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, पता नहीं। नहीं पापा, मुझे भी कभी कभी ताई जी की नियत पे डाउट होता है। पापा आप टेंशन मत लीजिए, अगर कोई बात है तो हम जरूर पता लगा के रहेंगे। हाँ आप टेंशन मत लीजिए। अकाउंट से पैसे किधर गए आदिति? 10 लाख डाले थे मैंने, अब कुछ भी नहीं है। क्या? मुझे नहीं पता निशान, मैंने नहीं निकाले पैसे। तो फिर पैसे कहाँ गए आदिति? तुम पैसे वहां ढूंढ रहे हो और 10 लाख रुपए मेरे पास। What? मैंने निकाले 10 लाख रुपए। आदिति सॉरी, वो चेक जो साइन करवाया था इसी के लिए था। पर क्यों? How dare you? आदिति ये कैसा असिस्टेंट है तुम्हारा? फ्रॉड। अभी तुम अदिति को सच सच बताओगे कि 10 लाख रुपए का बॉनफायर अभी कर दूं मैं? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? 10 लाख रुपए है वो, कुछ नहीं करेगा तू। मैं अभी बताता हूँ, सच बताओ। बता रहा हूँ मैं, नहीं तो ये रहा घासलेट ये। नहीं 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 अदिति रोको ना, जल्दी बताओ। नहीं 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 मैं जला दूंगा मैं। नहीं 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 मैं बताता हूँ। पैसे लिए मेरे स्टूडेंट से उन्हें पास करवाने के लिए। क्या? हाँ जी, शिक्षक भगवान के रूप होते हैं, और ये भी सोचे कि हम भी भगवान बन जाए। 10 लाख का चढ़ावा चढ़ा दो और फिर देखो चमत्कार। इतना बड़ा धोखा निशान, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, तुमने ये 10 लाख मेरे कोचिंग के स्टूडेंट से लिए। डोंट वरी अदिति, मैंने स्टूडेंट को पैसे वापस कर दिए। ये पैसे नकली। वापस कर दिए मतलब? वापस कर दिए का क्या मतलब होता है? अरे वो मेरे पैसे है ना। मैं ये पेपर पुलिस को दे दूंगा। इस पेपर पे अदिति के साइन है, देखो अदिति तुम्हारे साइन है। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों से एग्जाम के पैसे तुमने लिए, मैंने नहीं। सोच लो आदिति, किया मैंने है पर फंसोगे तुम। ब्लैकमेल कर रहे हो तुम मुझे? ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अभी वक्त है, अगर मुझसे तुम हाथ मिला लेती हो तो अरे वैसे तुम्हारे और तुम बच जाओगी, वरना तुम जेल जाओगी। जा 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 पुलिस को बोल दो। जा क्या बोल दो पुलिस को? अच्छा नहीं होगा, ये साइन आदिति ने नहीं मैंने किया है, नकली साइन है ये। जाओ जिसको बोलना है बोल दो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरी अदिति का। यू दो कौड़ी के असिस्टेंट, तेरी इतनी हिम्मत, धोखा दिया तूने मुझे। हटो, एक और शब्द नहीं इनके खिलाफ। अदिति तुम इस असिस्टेंट के लिए, ये मेरे असिस्टेंट नहीं मेरे पति हैं, विद्याधर। पति? ये? यस हस्बैंड, शी इज माय वाइफ। मेरी वाइफ के साथ अगर कोई फ्रॉड किया ना उसको छोड़ूंगा नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब। ओ चार्मिंग बॉय, जाओ अभी ससुराल जाने का वक्त हो गया। इंस्पेक्टर साहब यही वो आदमी है जो परीक्षा में फ्रॉड करने वाला था बच्चों से पैसे लेकर, ले जाइए इसको। अदिति 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 प्लीज प्लीज हेल्प मी प्लीज अदिति प्लीज। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे यहां से। अदिति प्लीज प्लीज अदिति ऐसा मत करो,
अदिति प्लीज। अच्छा चल झूठा चल। आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, आप मुझे समझाते रहे, मना करते रहे, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी, ना ही मैंने आप पे ट्रस्ट किया। I'm sorry. मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं, पर तुमसे रूठा रह सकता हूं क्या मैं? अरे खाना नहीं पचेगा मेरा। ये अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं हुआ, वो नहीं देख पाता मैं। ले 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 ले, देखो देखो क्या है माया दीदी, आपके बच्चे तो दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जा रही है। मैंने ना ऐसे बच्चे पहली बार देखी है, इतनी छोटी और इतनी तंदुरुस्त। कुछ तो खास बात है आपके बच्चे में। हाँ हाँ, इसका इतना ख्याल जो रखती हूँ मैं। मम्मी, ये बाहर ढोल बाजे की आवाज क्यों आ रही है? आज कुछ है क्या? आज महालक्ष्मी का व्रत है ना, आज के दिन लोग महालक्ष्मी की मूर्ति लेके पूरे शहर में यात्रा के लिए निकलते हैं। शायद उन्हीं में से एक झांकी यहाँ से जा रही होगी। हेलो श्री, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या करना है? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए इस शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लीजिए। इस पावन अवसर पर आपका जो भी मन करे वो चढ़ावा इस थाल में डालिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि माता धन धान्य और सुख समृद्धि की दाता हैं। तो इस अवसर पर आज इस थाल में जो भी चढ़ेगा वो माता को अर्पित हो जाएगा, और माता उसके बदले आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको देंगी दुगना। तो आइए और माता के दर्शन लीजिए, आइए। जय लक्ष्मी मैया। अब चल। अरे मम्मी कहाँ जा रही है आप? थोड़ी देर और रुकिए ना, श्री को पास से दर्शन करवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं माया, बाहर बहुत भीड़ है, यही अंदर से ही ठीक है। क्या मम्मी, आप लक्ष्मी भक्त हैं, घर के पास से झांकी गुजर ही रही है तो दर्शन करवा ही लेते ना, और अच्छा होगा ना, श्री को भी माँ के आशीर्वाद मिल जाएंगे, है ना श्री? चलेंगे मम्मी के साथ? अच्छा हाँ, जाना है ना दर्शन करने। माया में सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे अंश अवतार को सुरक्षित रख सके। श्री को माता दिख रही है? नहीं दिख रही है, वो दिख, वो दिख, वो दिख। बा बेटा बहुत हो गया, अभी अंदर चलो, बहुत भीड़ हो गई है बेटा। अरे मम्मी दो मिनट रुकिए ना, देखिए ना श्री को भी कितना मजा आ रहा है, और यहाँ तक आए हैं तो मत्था टिका ही लेते है ना। आप श्री बेटा माता को मत्था टेको, मत्था टेको। अद्भुत, वाह, किसी ने माँ के चरणों में अपनी बच्ची को अर्पित किया है, बच्ची को चढ़ाया है, चढ़ाना नहीं है। दादी, अरे क्या कर रहे हैं? गलती से हुआ है, मैं भला अपनी बच्ची को दान में क्यों दूंगी? हाँ, मेरी बच्ची मुझे वापस दीजिए। देखिए, जो माँ के चढ़ावे के थाल में गया वो माँ का हो गया, और माँ के चढ़ावे में चढ़ाया हुआ चढ़ावा वापस नहीं लेते, इसलिए अब ये बच्ची मंडली की हो गयी।
शाम तक हो शुभ लाभ, धन वैभव खूब बरसे, हर पल में हो शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ।